वेलकम बैक टू गपशप, अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलरेज है। मेरा क्वेश्चन निदा यासिर से है। मैम, आपने एक्टिंग को खैर बात कर दिया काफ़ी अरसे से ही, और क्या आपको होस्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है? एक्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। मेरे 3 बच्चे हैं अलग अलग साइजेज और अलग अलग उम्रों के, और चौथा उनका बाप। सबको मेरा टाइम चाहिए, तो मैं एक्टिंग के साथ इंसाफ नहीं कर सकती। फिर बददिली से कोई काम क्यों करे इंसान, तो जो कर सकता है। सुबह के टाइम कोई भी घर में नहीं होता, मेरे सब स्कूल गए हुए होते हैं, तो मेरा भी स्कूल यही है बस। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हनान है। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि पाकिस्तान में हर घर में ऐसा होता है कि जो छोटा बहन भाई होता है उसको ज़्यादा प्यार किया जाता है, तो क्या आपके घर में भी ऐसा ही था कि मैम सवेरा को ज़्यादा प्यार किया गया और आपको कम? सवेरा को खुद लाड लेना आता है, और उससे सिर्फ हमसे ही लाड नहीं लिया, वो अपने ससुराल से भी लाड लेती है, वो सबसे लाड लेती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाड लेना आता है, तो ये उन खुश नसीबों में से। वैसे मैं इसके कॉन्ट्ररी आपको बताऊं, जो घर का सबसे बड़ा होता है ना, उसको भी बहुत लाड मिलता है, क्योंकि वो पहला होता है। पहली दफा माँ बनी होती है एक माँ, पहली दफा बाप बना होता है एक बाप, पहला बच्चा, पहला कदम। तीसरे तक आते आते तो शोरबा हो जाता है, चलो जी ऐसी मिठाइयां बूंदियां बांट दो पैदा होते हैं। बेचारी बहुत दुखी है। नहीं नहीं, मुझे बहुत प्यार मिला है, मैं अपनी अम्मी की फेवरेट थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शर्जील अली है। मेरा सवाल मिस निदा से है। आपकी मिस्टर यासिर नवाज के साथ जो मैरिज थी, वो लव मैरिज थी या अरेंज्ड मैरिज थी? और अगर लव मैरिज थी तो क्यों थी? क्या मतलब? कैसे थी? कैसे थी? मतलब उन्होंने मुझे पसंद किया था और उन्होंने फिर रिश्ता भेजा था, इसलिए ये अदा उनकी मुझे अच्छी लगी और सिंसियर थे। मेरे अब्बू ने कहा कि ये तो हवाई रोजी है, एक्टिंग तो बेचारे ने जाके बुटीक खोल ली, और वो फिर जब मंगनी हुई तो बंद भी कर दी। लेकिन ताड़ी शादी था, उन्होंने ज्यादा दुख टेंट तुसी किसी और को लवाले सी। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तला रहमान है। मेरा क्वेश्चन मैम सवेरा से है। मैडम, अभी रिसेंटली पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, आपके ख्याल में क्या इंप्रूवमेंट्स हैं जिनसे जो है पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान टीम से ज़्यादा सिस्टम में चेंजेस करने चाहिए। हम पिछले एक साल में 4 चेयरमैन बदलते हुए देख चुके हैं। उन 4 चेयरमैन के बदलने के साथ साथ हम अपने डोमेस्टिक सेटअप को बदल देते हैं। कभी कहते हैं जी 6 टीमें ले आओ, तो कभी कहते हैं सारे डिपार्टमेंट वापस खोल दो और 16 टीमें ले आओ। सो जब तक हम अपने सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी नहीं लाएंगे कि कुछ भी होता रहे ऊपर, जितने चेयरमैन बदलते रहे, अगर यूनिफॉर्मिटी हमारे सिस्टम में होगी तो हमें अच्छे खिलाड़ी फिर से मिलना शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारिया फातिमा है। मेरा क्वेश्चन मिस निदा से है। हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन आप अभी तक वैसे की वैसी हैं, इतनी खूबसूरती का क्या राज है? ब्यूटीफुल, मेरा भी बचपन था। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माह अनवर है। मेरा क्वेश्चन मैम निदा यासिर से है। मैं बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बट क्वेश्चन ये है कि एक चीज़ नोट की है कि पॉलिटिशियंस को इनवाइट आप नहीं करती, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? कुछ पता नहीं है मुझे उनके बारे में, फिर इतने सारे फार्मूला 1 बनेंगे कि मैं संभाल नहीं पाऊंगी। आपको पॉलिटिक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है? नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है। दूसरा, मेरी जो व्यूअर है उस तक जो मुझे सुबह के वक्त देख रही होती है, वो भी अपने मियाँ से लड़ लड़ के न्यूज का चैनल हटा के मेरा चैनल लगाती है। सो फिर मैं उसको दोबारा न्यूज की तरफ नहीं लौटाना चाहती। अच्छा। मेरी चलाकी है, समझा करो। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरवान है। मेरा क्वेश्चन मिस सवेरा से है। ये एक सोशल स्टिग्मा है कि गर्ल्स को नॉर्मली स्पोर्ट्स की नॉलेज इतनी नहीं होती, तो आपको क्या अपनी लाइफ में कभी ये चीज़ फेस करनी पड़ी? देखिए, शुरू का एक साल जो था मेरा, वो बहुत मुश्किल था, बिकॉज मुझसे पहले जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थी उनकी शादी हो गई थी, उन्होंने अपने बच्चों के बाद छोड़ दिया था वो। सो एक बहुत बड़ा गैप था जहाँ कोई फीमेल नहीं आई थी। सो जिस वक्त मैं आई, उस वक्त बिल्कुल ग्राउंड खाली था, कोई भी नहीं था। मैं जिस चैनल में काम करती थी, वहाँ प्रोडक्शन की टीम से लेके ऑन स्क्रीन तक मैं एक अकेली लड़की थी, और बाकी कोई तकरीबन 48 एम्प्लॉयज़ थे जो कि मर्द थे सारे। तो शुरू का एक साल जो है ना, वो बहुत मुश्किल था। सबको ये लगता था IFB लगी होती है ना, तो प्रोड्यूसर ही इसको सवाल बताता है, इसको क्या पता। बट उस एक साल बाद जब मैंने सबको अपने इर्द गिर्द कन्वेंस कर लिया, तो मैं मेरा ख्याल से स्पेक्टेटर्स को भी कन्वेंस करने में हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा तनवीर है, और मेरा क्वेश्चन मिस निदा से है। मैम, हम देखते हैं कि करियर काउंसलिंग पे ज़्यादा बात नहीं की जाती है, एंड इट हैज़ बिकम अ सोशल स्टिग्मा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप इसको किस तरह से देखती हैं और आप इसको कैसे एड्रेस करना चाहेंगी? मज़े की बात यह कि अभी शायद 2-3 हफ्ते पहले ही करियर काउंसलिंग पे मैंने एक शो किया था,
अब क्योंकि मेरे बच्चे उस एज की तरफ गामजन हो रहे हैं, सो मुझे पता है इसकी कितनी वैल्यू जब आपके अपने खुद के दिल पे पड़ती है तो पता चलता है. सो बहुत सारे शोज ऐसे होते हैं जो देखने वाले होते हैं, जो देखने चाहिए. हम करते हैं हर तरह के शोज, मगर वायरल वो होते हैं जो नहीं होने चाहिए, और वो चीज़ नज़र नहीं आती, वो छुप जाती उन चीज़ों में. सो मैं हर तरह का शो करती हूँ, 5 दिन शो करती हूँ, और ये अभी 2 हफ्ते पहले ही किया. मैं आपको क्लिप भेजूंगी. अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट. नदा जी, आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस देंगे. वो ऑप्शंस और वो सवाल जो है एमसीक्यू की सूरत में होगा, ठीक है? यानी कि आपको नाम देंगे, आपने नाम को प्लेस करना है. हाउएवर, अगर आप लोगों को लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे वहां पे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं. ओके, जनरल नॉलेज पे अगर आप गए और आपने सही जवाब दिया, तो हर सही जवाब के साथ 5,000 रुपए आपको मिलेंगे. असली वाले या नकली वाले? बिल्कुल असली वाले हैं जी, ये ये आपके ऊपर है कि आप हो सकता है चाहे तो सारे सवाल वहाँ पे ट्राई करें. और हम दोनों एक दूसरे से मशवरा कर सकते हैं? आप दोनों एक दूसरे से मशवरा नहीं कर सकते. अरे यार, ये तो अपना अपना है बिल्कुल ये. हाँ. तो ये आप लोगों के ऊपर होगा, एक ही घर जा रहे हैं ना, पैसे क्या फर्क पड़ता. हाँ, वैसे ये भी है. सही है. तो आप जहाँ मर्जी जवाब देना चाहें. आपसे स्टार्ट करते हैं हम पहले, ठीक है? ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी इनमें से कौन सी अदाकारा आपकी जिंदगी में बनने वाली फिल्म में आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सज्जल अली और सना जावेद. मैं जनरल नॉलेज के सवाल पे जाना चाहूंगा. ठीक है, तो आप जनरल नॉलेज पे चली गई हैं, आप जब मर्जी चाहें वापस जा सकती हैं. ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान के गवर्नर कौन है स्टेट बैंक के? नहीं, मुझे नहीं पता. नहीं, नो आइडिया. ठीक है, ये बताइए कि पाकिस्तान का लफ्ज कौमी तराने में कितनी दफा इस्तेमाल होता है? अरे मैं तो जनरल नॉलेज की तरफ नहीं जाऊंगी. पहले ही आप घबरा गए. एक दफा भी नहीं. जवाब गलत है. गलत है? एक दफा. अर्ज़े पाकिस्तान. अर्ज़े पाकिस्तान जवाब दिया है. गलत जवाब. ठीक है, ठीक. आई मिस्ड इट आउट. इसी तरह हुआ था वो फॉर्मूला 1 और 92. यही. अब आपसे वापस हम उस सवालों की तरफ चलते हैं जनरल नॉलेज के ऊपर आपने जवाब नहीं दिया. ये बताइए मैडम, चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक. ओके, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी और अहमद अली भट्ट. बेचारों ने, दोनों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है बिल्कुल, बट अहमद अली भट्ट. अहमद अली भट्ट, ठीक है. लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं. एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है. अच्छा. ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वसीम बदामी, फखरे आलम और इमरान अशरफ. तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी जो है वो फखरे आलम के साथ है. स्माइल किन को देंगी? वसीम बदामी को. और फ्लोर आ चुका हुआ है इमरान का, ठीक है.